दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 125 दिन हो गए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। केंद्र के इस रवैये से नाराज किसान सभा द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस आंदोलन के समर्थन में पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में स्थानीय कर्मेश्वर रिंग रोड पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। कांग्रेस ने किसान आंदोलन और भारत बंद को समर्थन दिया हुआ है। केदार ने कहा, कांग्रेस की ओर से आज का ये आंदोलन राहुल गांधी के आदेश पर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार किसानों के मसले पर चुप्पी साधे बैठी है। देश का अन्नदाता रास्ते पर है और सरकार हम दो हमारे दो वाले रास्ते पर चल रही है। देश का दुर्भाग्य है कि देश निजी हाथों जा रहा है। किसान आंदोलन में शहीद किसानों को पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि देते है। आमचे नेते राहुल गांधी ने आम्हाला तसे प्रकारचा आदेश दिलेला आहे आणि पहिल्यापासून त्यांनी सांगितलं की आपण सगळ्यांनी मिळून त्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे। आज त्या संघटनेने, त्या शेतकऱ्याच्या जे संघटना तिथे आहे, त्यांचं त्यांनी आज भारत बंद पुकारलेला आहे। त्याच्या सन्मानार्थ आम्ही उभा आहे आणि याच्यापुढे सुद्धाही शेतकऱ्याचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, त्याच्या व्यथा सामान्य माणसांसाठी आणि त्या आंदोलनाला मजबूती मिळण्यासाठी आम्ही आपल्या काँग्रेस पक्षातर्फे पूर्ण ताकदीनं काम करू अशा प्रकारे सांगतो। चलो।